हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स विच हैव सम डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री लाइक PCl5, SF6, SF4। तो आज एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है PCl5 को लेकर। PCl5 के अंदर हमारे पास दो प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई दी एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर देन दी इक्विटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड्स जो हैं, इसमें क्वेश्चन जो बन रहा है वो देखेंगे, व्हाई दी एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर देन दी इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। तो हम इसके बारे में देखते हैं और ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारी VBT, VSEPR थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो PCl5 के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सीखनी है। आप इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू भी निकाल सकते हो और आप इसको जो सिंपल हमने दिखा है उसके थ्रू भी निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन पेयर से अगर आप निकालते हो तो ये हो गया आपका 1/2। सेंट्रल में फास्फोरस होता है, फास्फोरस के पास आपके पास पांच होते हैं, पांच बॉन्डेड एटम हैं। हमारे पास कितने हो गए, 10/2। 10/2 में हमें क्या मिला, 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2, ठीक है। तो ये आपके पास sp3d, ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो हम यहाँ पर सेंट्रल एटम किसको ले रहे हैं, फास्फोरस को ले रहे हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3, ठीक है। अब d ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट है तो हम इसकी ग्राउंड स्टेट को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इंटरमिक्सिंग है सेम शेल के ही ऑर्बिटल्स की, यानी हम जो अब ऑर्बिटल देखेंगे वो 3s और 3p होने चाहिए। तो ग्राउंड स्टेट में भी हम किसके स्ट्रक्चर्स को ही बनाएंगे, 3s और 3p के ही स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे। दिस इज योर 3s, दिस वन इज योर 3p एंड द एम्प्टी ऑर्बिटल दैट इज d ऑर्बिटल दैट इज 3d, क्योंकि हमारे फास्फोरस जो एटम है उसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है, जबकि नाइट्रोजन के पास नहीं होता तो वो d तक अपने आप को एक्सटेंड नहीं कर पाता, उसकी कोवेलेंसी 4 ही होती है। अब s में हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। p में हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। ये हाफ फिल्ड है, ठीक है। तो अब हम एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो जंप अप, इलेक्ट्रॉन अपने सबशेल से जंप करके अपने से हायर एनर्जी लेवल के पास जाएंगे, 3s 3p 3d। देखिए बेटा, हमारे पास पांच बॉन्डेड क्लोरीन एटम है तो हम पांच बॉन्डिंग बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को जंप अप करवा के कहां भेजेंगे, 1d ऑर्बिटल में। यहां पर एक क्लोरीन अटैच हो गया, यहां पर दूसरा क्लोरीन अपना बॉन्ड बना रहा है, यहां तीसरा क्लोरीन, यहां चौथा क्लोरीन बना रहा है और यहां पर पांचवा क्लोरीन। सभी के सभी कैसे बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये तो थी बॉन्डिंग sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारा फास्फोरस बॉन्ड बना रहा है तो उसका जो ज्योमेट्री है वो इस प्रकार का रहेगा कि ये तो तीन बन गए इक्विटोरियल बॉन्ड, और बेटा ये जो दो हैं जो इस प्रकार के बॉन्ड हैं, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। ये बॉन्ड जो है, जो ये वाला आपका एंगल है, दिस वन इज योर 90° एंगल, और जो ये वाला एंगल है, ये वाला आपका 120° एंगल, इन बॉन्ड्स को बोलेंगे बेटा एक्सियल बॉन्ड्स, और बेटा इन बॉन्ड्स को बोलेंगे इक्विटोरियल बॉन्ड्स। तो क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है, क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि इक्विटोरियल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जैसे ये इस ClCl से, ये Cl से, ये Cl से, या इस PCl, यानी कि बॉन्ड जो है वो कहां है, फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में। तो ये बॉन्ड जो है वो ताकतवर है जबकि एक्सियल बॉन्ड्स जो है वो कमजोर है। तो यहां पर हम अपनी VSEPR थ्योरी का एक ही जो है मेन जो एम है वो लगाएंगे कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन चेक करना है। बॉन्ड पेयर रिपल्शन आपको चेक करना है, और इस रिपल्शन का जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपको बताएगा कि एक्सियल बॉन्ड कमजोर क्यों है और इक्विटोरियल बॉन्ड
जो है वो मजबूत क्यों है। देखिए हमारे पास कितने एक्सियल हैं, दो एक्सियल बॉन्ड हैं, ठीक है। अब ये दोनों बॉन्ड पेयर हैं और हमारे पास कितने इक्विटोरियल हैं, हमारे पास तीन इक्विटोरियल बॉन्ड पेयर हैं। तो तीन इक्विटोरियल बॉन्ड पेयर जब इकट्ठे मिलकर दो एक्सियल बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करते हैं, क्योंकि रिपल्शन तो हो रहा है, रिपेल करते हैं, तो तीन ज्यादा हो गई ना, वो दो को ज्यादा दूर तक रिपेल कर सकते हैं। इसके उल्टा अगर हम देखें, दो एक्सियल बॉन्ड हैं और तीन इक्विटोरियल, दो एक्सियल बॉन्ड तीन इक्विटोरियल को रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज्यादा तो नहीं लगा सकते क्योंकि उनकी संख्या कम रह गई और इक्विटोरियल की ज्यादा। तो जिसकी संख्या ज्यादा है उसका टोटल सम अप भी रिपल्शन का ज्यादा रहेगा और वो उसको ज्यादा रिपेल करेगा। तो इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई, हैंस द रिजल्ट एक्सियल बॉन्ड्स बिकम्स वीक। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होते ही, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इक्विटोरियल बॉन्ड सबने मिलकर क्या लगाया, रिपल्शन लगाया, किसके ऊपर, एक्सियल बॉन्ड पर। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से ये बॉन्ड जो है वो वीक हो गया। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन सेज द एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर देन द इक्विटोरियल बॉन्ड। तो PCl5 ही नहीं, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो वहां पर आपको बॉन्ड पेयर रिपल्शन का या बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन का भी एक ऐसा मतलब कंसेप्ट लगाकर देखना है कि जो ये पर्टिकुलर ज्योमेट्री हमें मिल रही है इसका मेन रीजन क्या है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है SF6। SF6 भी जो है एक हाइपरवेलेंट कंपाउंड है जो अपने ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, तो हमें इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स के जरिए हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, 1/2 6+6, क्योंकि इसके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इसके जो है आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मिले, 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2। रिमेम्बराइज दैट हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3d2। हमारा सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, क्योंकि अब हमारे पास जो है p ऑर्बिटल में ही 4 इलेक्ट्रॉन हो गई। ध्यान दीजिएगा इसके d में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मींस इट्स d ऑर्बिटल इज ऑल्सो एम्प्टी। ग्राउंड स्टेट में आते हैं, ग्राउंड स्टेट में हम सेम ऑर्बिटल वाले, सेम शेल वाले ही ऑर्बिटल्स को लेंगे। हमारे पास है 3s 3p, 3s में है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, p में है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द फॉर्मेशन। एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन में जाने के बाद डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने के चांसेस हैं। यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन है, देवर सिंगली फिल्ड, देवर हाफ फिल्ड, एंड द टू इलेक्ट्रॉन्स आर जंप्ड इनटू द डी ऑर्बिटल। दिस इज योर पी, दिस इज योर एस, दिस इज योर पी, दिस इज योर डी ऑर्बिटल। नाउ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द 1s 3p एंड 2d, सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। द बॉन्डेड स्ट्रक्चर विल फ्लोरीन, ये बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके बॉन्ड के फॉर्म में यहां पर आपको दिखाई देंगे। हेंस द ज्योमेट्री फॉर दिस स्ट्रक्चर इज सल्फर। आई होप दिस वन इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, दिस वन इज योर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सिमिलरली हियर टू बॉन्ड आर एक्सियल बॉन्ड्स एंड 4 बॉन्ड्स आर इक्विटोरियल बॉन्ड्स, बट दे हैव ऑल 90° एंगल, दैट्स व्हाई दिस ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। दिस इज अ रेगुलर ज्योमेट्री, नॉट एनी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, राइट। रेगुलर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल फॉर्म करता है SF6। दो बॉन्ड जो हैं इसके एक्सियल पोजीशन पे रहेंगे जो एक दूसरे के ऊपर नीचे प्लेन पर होते हैं, और 4 बॉन्ड जो हैं इसके इक्विटोरियल प्लेन पे रहेंगे। देखिए ऐसे होता है इक्विटोरियल प्लेन, और अगर ये अपवर्ड और डाउनवर्ड हो तो इसको बोलते हैं हम एक्सियल प्लेन। तो एक्सियल बॉन्ड्स जो हैं वो प्लेनर प्लेन पे बनते हैं और ये इक्विटोरियल बॉन्ड्स जो हैं उसके बिल्कुल साइमल्टेनियसली रहेंगे। तो इस तरीके से हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। SF4 जो है वो हमारा डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होता है,
ये रेगुलर ज्योमेट्री के हैं, तो इनको ध्यान से समझिए। चलिए बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस होता क्या है? ठीक है, रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं जो हमें वो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज बता सके। देखो जैसे डेली लाइफ में भी आप किसी की फोटो देखते हो, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई नोन है, आप उसकी कोई फोटो देख रहे हो और वो फोटो में क्या कर रहा है उस वक्त, कोई गेम कर रहा है, कोई खेल खेल रहा है, तो आपको लगेगा अरे वाह ये तो बड़ा बेस्ट प्लेयर है भाई इस खेल का, है ये तो मतलब इस खेल में किसी को जाने नहीं देगा। लेकिन आप अगले ही दिन उसकी कोई ऐसी फोटो देखते हैं जिसमें वो कोई डिबेट कंपटीशन कर रहा है या फिर कोई और कहीं जगह पार्टिसिपेशन कर रहा है, कोई डांस कंपटीशन कर रहा है, आप उसकी कई सारी फोटोज देखते हैं, आपको लगता है यार ये तो हर चीज़ में परफेक्ट है, ये ऐसा कैसे है, ये पढ़ाई में कैसा है, ये ऐसे कैसा है? मतलब आपको अलग अलग पिक्स नज़र आ रही हैं, हर एक पिक उसकी एक कैरेक्टर को बता रही है, एक प्रॉपर्टी को बता रही है। ऐसे ही हमारे पास मॉलिक्यूल की भी कुछ अलग अलग पिक्स होती हैं, हर एक पिक उसके एक कैरेक्टर को बताती है, तो हम ये पहचान नहीं पा रहे कि विच वन इज द मोस्ट बेस्ट पिक, कौन सा अच्छा स्ट्रक्चर है, कौन सा बढ़िया स्ट्रक्चर है और कौन सा हमें पढ़ना चाहिए। तो रेजोनेंस एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा फिनोमिना है जो हमें ऐसे एक स्ट्रक्चर को बनाकर देता है जिसमें वो सारी खूबियां इकट्ठी हो जाएं, जो खूबियां हमें अलग अलग फोटो में मिलती हैं एक ऐसी फोटो बनाकर देता है जिसमें हमें उस मॉलिक्यूल की या उस पर्सन की सारी खूबियां मिल जाएं। तो हम पढ़ते हैं आज रेजोनेंस। रेजोनेंस का एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बताऊंगी कि रेजोनेंस एक्चुअल में बताना क्या चाह रहा है। मैंने सबसे पहले तो रेजोनेंस की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होगी कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल की अलग अलग प्रॉपर्टीज की जो है स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो कोई एक सिमिलर स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इन बिटवीन होंगी या फिर सभी प्रॉपर्टीज जो उसमें मिक्स होंगी, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हमने एग्जांपल लिया ओजोन का। ठीक है भैया, ओजोन का आपने ओजोन, अब ओजोन लेंगे तो आप सबसे पहले बनाएंगे इसका लेविस स्ट्रक्चर। आई होप आप लोगों को बता रखा है, सिखा भी रखा है। ओजोन का आप लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपने बनाया तीनों ऑक्सीजन को आपने ऐसे रखा। ठीक है, अब ओजोन के लेविस स्ट्रक्चर में हम और क्या चीज ड्रॉ करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन एटम है तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन एटम है तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6। इसके वैलेंस में भी कितने होने चाहिए, 6। अभी एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं फिर हम देखेंगे कि हम इसकी बॉन्ड कैसे बनाएंगे। इसके वैलेंस में भी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6। अब ये तो है इनके वैलेंस स्ट्रक्चर, अब आती है बात इनके ऑक्टेट कंप्लीट करने की, यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग की। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, चलिए सपोज इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्टेट कंप्लीट करवा रहे हैं। आपने ये स्ट्रक्चर इस टॉपिक से पहले फॉर्मल चार्जेस में किया है, जहां पे आपने इनका स्ट्रक्चर बनाया था और इनके ऊपर चार्जेस निकाले थे। कोई नहीं, अब अगर हम इस ऑक्सीजन को देखें और इस ऑक्सीजन को देखें तो इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 की। इसको भी 2 की जरूरत है, तो क्या होगा, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका है ना, क्या होगा कि भैया ये देखिए ऐसे बॉन्ड बना लिया, ऐसे ये ऐसे। ठीक है, तो इसके पास 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह गए और ये आपका बॉन्ड बन गया। मैं बताती हूं कैसे बनेगा। अच्छा, अब इसके पास भी 6 है, इसके पास भी क्या है, इसके पास क्या है, 4 है। इसके दो इलेक्ट्रॉन और इसके दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेंगे भैया, बॉन्ड। ठीक है, अब ये क्या कुछ हुआ है, अब देखते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, तो इन्होंने ये कौन सा बॉन्ड बनाया, इन्होंने बनाया डेटिव बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनाया, डेटिव बॉन्ड, क्योंकि अगर कोई लोन पेयर इकट्ठा बच जाता है और वो किसी दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट करने में हेल्प करता है तो उससे इस एटम को तो फर्क नहीं पड़ना, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बना डेटिव बॉन्ड। अब ऐसा ही
ऐसा ही मैं एक और स्ट्रक्चर आपका बना रही हूं। आप कहोगे इसमें और इसमें फर्क क्या है, इधर ऑक्सीजन हो गई, इधर ऑक्सीजन हो गई, इधर ऑक्सीजन हो गई। अब की बारी मैंने इधर डबल बॉन्ड बना दिया, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, और यहां पर पूरे तीन के तीन लोन पेयर। आप कहोगे इन दोनों में फर्क क्या है, ये तो एक दूसरे की मिरर इमेज हो गई, यानी शीशे के सामने खड़ा कर दिया। इनको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। दोनों को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहेंगे, मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बेटा जब हमने इनका फॉर्मल चार्ज निकाला था, तो हमें क्या मिला था, हमें ये मिला था ना कि इस पर तो क्या रहेगा, इस पर क्या रहेगा माइनस वन चार्ज, और इस पर क्या रहेगा प्लस वन, और यहां पर भी हमने ऐसे ही दिखा था ये माइनस वन और ये प्लस वन। तो ये हमने फॉर्मल चार्जेस के जरिए निकालकर सीखे थे। अब बारी आती है कि क्या है। देखिए डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो लेंथ एक्सपेरिमेंटली 121 पिकोमीटर है, और जो सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर है, ये एक्सपेरिमेंटली है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें चूज करना है जो मोस्ट स्टेबल हो, हम नहीं कर पा रहे, हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इन दोनों में से हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉन करते हैं जो ऐसा होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यानी कि ना तो वो डबल बॉन्ड बनाना चाहिए, ना वो सिंगल बॉन्ड बनाए, ना तो वो डबल बॉन्ड के लिए बना हुआ हो ना वो सिंगल बॉन्ड बने, यानी कि इन पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में ये बॉन्ड क्या करते हैं, इस प्रकार से हाफ बॉन्ड यानी कि 1.5 बॉन्ड बना लेते हैं, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 128 पिकोमीटर है, यानी कि डबल बॉन्ड से तो ज्यादा और सिंगल बॉन्ड से कम, इसको बोलेंगे 1.5 बॉन्ड। अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें, इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें तो कितना है 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें तो कितना है 1 है, लेकिन अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए तो वो कितना है 1.5। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना जिसके अंदर इसकी और इसकी दोनों की खूबियां उपस्थित हैं। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर यानी कि इन दोनों की खूबी वाली पिक, ऐसा स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल का जिसमें दोनों खूबी हैं, ना तो डबल बॉन्ड की लड़ाई है ना सिंगल बॉन्ड की। भैया ऑक्सीजन तो सिमिलर हैं लेकिन दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए एक ऐसी सिमिलैरिटी वाला स्ट्रक्चर बनाया जिसकी एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल है। चलिए इसके बाद एक टर्म और हमारे सामने आएगी, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी। अभी रेजोनेंस एनर्जी क्या है, रेजोनेंस एनर्जी स्टेबलाइज्ड रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी होती है। सपोज इसकी एनर्जी ई है और इसकी भी एनर्जी ई है, दोनों की एनर्जी, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर है तो दोनों की एनर्जी सिमिलर होगी, तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी ई डैश होगी, डिफरेंस होगी ना। और हम ये जानते हैं कि ई डैश जो है वो हमेशा किससे कम रहनी चाहिए, ई से, यानी कि इन दोनों की एनर्जी से। जितनी एनर्जी कम होगी उतना वो क्या होगा, मोर स्टेबल। चलो बेटा रेजोनेंस में और एग्जांपल देखते हैं, जैसे बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं, C6H6 होता है बेंजीन, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखिए, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, इसमें ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, इसको आप थोड़ा सा ओपन करके देखेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा CH, 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 ठीक है। अब हमें हर एक कार्बन की टेट्रावेलेंसी यहां पर कंप्लीट करनी है। इस कार्बन के पास 1, 2, 3 और 1 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के पास भी 4 हो गए, इस कार्बन के पास 4 हो गए, इस कार्बन के पास 4 हो गए, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना दिया।
हमें यहाँ पर कार्बन की टेट्रावेलेंसी चेक करनी है और स्ट्रक्चर देखना है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, अब डबल बॉन्ड यहां बना, यहां भी तो बन सकता है, बन सकता है ना। तो मैं अगर इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना रही हूं, देखिए अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाती हूं तो ये गलत तो नहीं है, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड आ सकता है तो यहां पर भी आ सकता है। कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। सो दिस एंड दिस स्ट्रक्चर्स आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों की पोजीशंस में अंतर है, लेकिन बाकी सब कुछ सेम है। हमें इनके बीच का एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए। देखिए कैसे, यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल, यानी कि बॉन्ड लेंथ में वेरिएशन। तो हमें तो यहां पर फिर से वही गड़बड़, भाई जो डबल बॉन्ड पहले यहां था अब यहां सिंगल बॉन्ड हो गया, तो हम किसको माने, डबल बॉन्ड को माने कि सिंगल बॉन्ड को माने? तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की जो इन दोनों के बीच का हो, यानी कि जो इन दोनों के बीच में रहे और बीच की सारी प्रॉपर्टीज बता दे और स्टेबल भी हो। तो हमने बेटा देखिए, इस तरह की एरो तो होती है रेजोनेटिंग की, ये होती है इक्विवेलेंट की। हमने इन दोनों की पोजीशंस के लिए ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया कि डबल बॉन्ड भी ना रहे और सिंगल बॉन्ड भी ना रहे, और ये सारे बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट होकर बॉन्ड लेंथ ना डबल की ना सिंगल की 1.5 यानी कि डेढ़ डेढ़ की रख लें। तो ये हाफ बॉन्ड जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, हाफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो इन दोनों की एनर्जी से कम होती है। इसीलिए हम बेंजीन का ये स्ट्रक्चर जो है स्टडी करते हैं बजाय कि इन दोनों के। इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऐसे दिखाई गई है कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है। इसमें भी ऐसा हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है। तो ये जो बॉन्ड हैं जो कार्बन की टेट्रावेलेंसी को कंप्लीट करते हुए यानी कि स्टेबिलिटी को कंप्लीट करते हुए बनाए गए हैं, तो इनके इन बिटवीन का एक स्ट्रक्चर जो बेंजीन का बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। इस रिंग को बोला जाता है डी लोकेलाई, डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि डबल बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकेलाइजेशन यानी घूम रहे हैं, पूरी जगह पर घूम रहे हैं, इसलिए बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी नोटबुक में हैं, जिनसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।